हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं thelallantop.com। हर शुक्रवार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। मूवी का नाम है मंटो। नंदिता दास ने मंटो पर ये बायोपिक बनाई है। सआदत हसन मंटो किस्से कहानियों की दुनिया का कोहिनूर, वो जिनका लिखा पढ़कर लोग शर्मिंदगी के समंदर में डूब गए, उन्हें नींद ना आई। शायद ही कोई अफसाना निगार ऐसा रहा होगा जिसके लिखे में इतना इम्पैक्ट हो कि पढ़ने वाला बेचैनियों से भर जाए। मंटो से पहले कई लेखकों ने अपने आसपास का सच लिखने का साहस दिखाया, लेकिन वो सिर्फ मंटो ही थे जिन्होंने अल्फाज को मखमली लिबास में लपेट कर पेश नहीं किया। जो दिखा जैसा दिखा लिख डाला, भले ही वो संवादों में गाली हो या मनुष्य में छिपी शैतानियत का मुजाहिरा हो। जिंदगी को यूं बेबाकी से देखने वाले शख्स की अपनी जिंदगी कैसी रही होगी, ऐसा क्या देखा होगा उन्होंने अपनी सिर्फ 42 साल की जिंदगी में, जिसे साहित्य में उतारने के बाद समाज में भूकंप आ गया। इसका कुछ अथाह पता पाने की जुस्तजू में एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास इस सिरफिरे लेखक की बायोपिक लेकर आई है। आइए जानते हैं कि क्या ये फिल्म मंटो की कहानियों जितनी ही प्रभावी हो पाई है। ये फिल्म पार्टीशन के कुछ साल पहले से लेकर मंटो के पाकिस्तान में बिताए कुछ सालों की बात करती है। भारत आजाद होने ही वाला है। मंटो अपनी बीवी सफिया के साथ मुंबई में रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करते हैं। आजादी आती है और साथ लाती है खून खराबे का एक लंबा सिलसिला, हिंसा का वो दौर जहाँ धार्मिक आइडेंटिटी दोस्तियों पर भारी पड़ने लगती है। हताश निराश मंटो पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेते हैं। जानेवन मुंबई से निकलकर लाहौर की गलियों में खो जाते हैं। लाहौर भी तो अब वो शहर नहीं रहा जिसका ख्याल आपको खुशियों से भर दे। आज़ादी के बाद का लाहौर शरणार्थियों, लुट चुकी हवेलियों और जली इमारतों का कोलाज है, जहाँ पुरानी पहचान मिटा डालने की हड़बड़ाहट है। हालात की भयावहता से आतंकित मंटो धीरे धीरे शराब के हवाले हो जाते हैं। जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए उन्हें लिखने के अलावा कुछ नहीं आता, और लेखन तो उनका हमेशा से ही तेजाबी रहा है, जिसे कभी कोई छापने से मना कर देता है, कोई अश्लील होने का तमगा दे देता है, तो कोई कोर्ट केस ही दायर कर देता है। अपने अंदर के अड़ियल लेखक जिम्मेदारियों का बोझ और बाहरी दुनिया की मूर्खताओं से एक ही वक्त में जूझते मंटो को डायरेक्टर नंदिता दास ने 2 घंटे की फिल्म में समेटने की कोशिश की है। फिल्म में कुछ खूबियां हैं तो कई सारी खामियां भी। सबसे बड़ी खामी तो यही है कि फिल्म ओवरऑल वो इम्पैक्ट पैदा नहीं करती जिसकी उम्मीद लेकर आप सिनेमाघर में जाते हैं। प्रेजेंटेशन के तौर पर फिल्म बेहद कमज़ोर है। एक के बाद एक घटनाएं होती रहती है और आप बस निर्लिप्तता से देखते रहते हैं। जिस तरह से मंटो की कहानियाँ आपको झिंझोड़ कर रख देती हैं, वैसा कुछ फिल्म में होने का आप इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। इक्का दुक्का सीन में ही वो बात महसूस कर पाते हैं। खूबियों के खाते में सबसे ज़्यादा नंबर सिनेमाटोग्राफी को और आर्ट डायरेक्शन को जाएंगे। 70 साल पहले की दुनिया को काफ़ी उम्दा ढंग से पेश किया गया है। जाकिर हुसैन का बैकग्राउंड स्कोर भी शानदार है। फिल्म एक राइटर की मनोदशा को सही से दिखा पाती है। अपने अंदर छटपटाता एक जिद्दी लेखक जिसे ये समझ ही नहीं आता कि बुरे को बुरा और नंगे को नंगा लिखना गलत कैसे है, जो लेखन की दुनिया में तो झंडे गाड़ रहा है लेकिन घर गृहस्थी के फ्रंट पर फेल है। कोर्ट केस के कुछ सीन बेहतरीन हैं, जहां मंटो अपने हक में दलीलें देते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका लिखा गंदा नहीं है बल्कि दुनिया ही गंदी है। अभिनय के फ्रंट पर नवाज वही करते हैं जिसमें वो माहिर हो चुके हैं। वो हमेशा अपने किरदार को पूरी संजीदगी से लेते हैं, इस बार भी यही किया है उन्होंने। फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें बड़े बड़े कलाकार महज कुछ मिनटों के रोल में नजर आए हैं। इन कलाकारों में परेश रावल, ऋषि कपूर, नीरज कबीर, रणवीर शौरी, जावेद अख्तर, गुरदास मान, दिव्या दत्ता जैसे उम्दा नाम शामिल हैं। मंटो की कुल 5 कहानियों का फिल्म में इस्तेमाल हुआ है। खोल दो, ठंडा गोश्त, 100 वाट का बल्ब, 10 रुपये और टोबा टैक्सी। इनमें खोल दो और टोबा टैक्सी को छोड़ दिया जाए तो बाकी की कहानियाँ प्रभावित करती हैं। अभिनय में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं रसिका दुग्गल। उन्होंने मंटो की बीवी सफिया का किरदार निभाया, जो अपने पति की खपत से वाकिफ भी है और उससे परेशान भी, बावजूद इसके वो उसका मानसिक संबल बनी हुई है। मंटो के दोस्त श्याम के रोल में ताहिर राज बसीन ठीक लगते हैं।
फिल्म में जो बात मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद आई वो है साहित्य और सिनेमा की दुनिया के कई बड़े नामों को पर्दे पर देखना, जहां एक तरफ फैज अहमद फैज, इस्मत चुगताई और अहमद नदीम कासमी जैसे बड़े फनकारों को आप मंटो साहब की नज़र से देखते हैं, वहीं अशोक कुमार, के आसिफ और नरगिस जैसी हिंदी सिनेमा की हस्तियाँ और उनकी मुख्तसर हाजिरी आपको सुखद आश्चर्य में डाल देती है। फिल्म सिनेमाई नुक्ता निगाह से भले ही कमज़ोर हो, लेकिन एक बात के लिए नंदिता दास की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। मंटो जैसी हस्ती को पर्दे पर उतारना कोई हंसी खेल यकीनन नहीं था, उन्होंने रिस्क उठाया है। इसी का नतीजा है कि अब कुछ और लोगों तक मंटो का काम पहुँचेगा। ये भी एक तरह से अदब की खिदमत ही है, इसके लिए उन्हें साधुवाद बनता है। जाते जाते एक संवाद का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। जब मंटो पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेते हैं तो उनका दोस्त उनके कमरे में रखी शराब की बोतल उठाकर कहता है कि तुम कौन से ढंग के मुसलमान हो जो जा रहे हो। मंटो शांति से जवाब देते हैं, इतना तो हूँ कि मारा जा सके। मनुष्यता को अपने सबसे विभस्त रूप में देखने की हिम्मत दिखा चुके सादक हसन मंटो का ये जिंदगी नामा बड़े पर्दे पर कितना कमाल दिखा पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फिल्म से लौटने के बाद आपका मन मंटो को पढ़ने का जरूर करेगा, फिल्म पसंद आए तब भी और न आए तब भी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का रिव्यू। इसी तरह के और मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए आप देखते पढ़ते रहिए thelallantop.com। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा।